नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और मैच नंबर 26 सीपीएल 2020 बारबाडोस और गुआना अमेजोन वॉरियर्स के बीच का मैच के गेम प्ले प्रेडिक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। इसके बाद सिर्फ चार मैचेस बाकी रहेंगे और नॉकआउट चालू हो जाएगा। टीम आपके सामने आज के मैच की थी, ये कंडीशन आज के मैच की हमारे मैच के लिए, इस वीडियो के गेम प्ले के लिए। तो गुआना अमेजोन वॉरियर्स हेड्स के साथ गया है, ट्राइडेंट्स के कप्तान यहाँ कर रहे हैं टॉस, निगाहें सभी की, हमने जीता है टॉस, गुआना ने जीता है टॉस और बैट के साथ जाएंगे। डिफेंड में जो मजा है वो चैलेंज जो है वो किसी और चीज़ में नहीं होता, तो बैटिंग लिए। मैच का हो रहा है आगाज और भाई अगर आप लोगों ने प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, अगर नहीं किया अभी तक लाइक करें वीडियो को, अगर पसंद आती है तो कुछ सजेशंस हैं प्लीज़ कमेंट करो, डेफिनेटली मैं उस पर वर्क करूँगा। अभी के लिए यहाँ पर आ रही है बॉलिंग टीम सामने वाले खिलाड़ियों पर वर्क करने के लिए, बैटिंग टीम पर उन्हें कम से कम टोटल में रोकने के लिए। हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे 180+। कान होल्डर तैयार पहली गेंद के साथ, बेहतरीन ड्राइव लेकिन इतना ही बढ़िया एफर्ट फील्डिंग में, रोके हैं 3 रन। हमारे नाम रहेगा ये 15 ओवर का सेशन, हमारे नाम रहेगा 74 पे खेल रहे हैं ब्रैंडन किंग, 100 का फिर से मौका है, अभी अभी आउट हुए हैं यहाँ पर शिमरन है तुम्हारे 40+ के स्कोर पे। रोज टेलर आए हैं जो कि हमारे सामने अच्छा खेलते हैं, हमारे साथ नहीं, देखते हैं आज क्या करते हैं, आज दबाव नहीं है इनके ऊपर, पहली बैटिंग आई है तो गेंदबाजी का रिकॉर्ड आपके सामने। शुरू करते हैं गेम प्ले का हिस्सा, 15 ओवर का पहला गेंद यहाँ पर 16वें ओवर का, सिंगल से हमारा खाता गेम प्ले का खुलता हुआ। 26 स्ट्राइक पे कंटिन्यू किया था, स्पिनर को खेलना इतना आसान है नहीं क्योंकि एंगल बन रहा है रशीद का, मौका हाँ बैट पे लगती तो था। अगेन बेहतरीन ओवर जाता हुआ, इस बार सीधी निकाल दी गेंद, नया ओवर, अच्छा बाउंस लेकिन उसे कैरी किया है कीपर ने, हम तैयार थे रन के लिए लेकिन सफलता नहीं। होल्डर एक बार फिर मिडल की गेंद, सीधा गेंद, बहुत बढ़िया एंगल से डाल रहे हैं सीधा अंदर और बीट करा रहे हैं, सबसे बड़ी बात बाउंस मिल रहा है, एक्स्ट्रा हाइट का फायदा। होल्डर को अभी तक समझ पाए हैं नहीं यहाँ पर टेलर, और वही कंटिन्यू होता हुआ, तीनों गेंदें बीट, जिस तरह से बाउंस हो रही है गेंदें, मुझे बैकफुट पर ही खेलना होगा लेकिन वहां पर भी सफलता नहीं। 10 गेंदें 7 अभी भी नहीं आ रही गेंदे, मैडन का चांस, पूरा ओवर एक ही लाइन पे निकाल दिया और सेम गलती हम लोगों ने पूरी ओवर की, मैडन ओवर। बहुत बड़े शॉट मैं लूंगा यहाँ पर लेकिन पहले गेंद को समझना होगा, 2 रन से यहाँ पर हमारा खाता खुला है 6 गेंदों के बाद। पिछली ओवर मैडन रही थी हमारे इस गेम प्ले की सीरीज की पहली मैडन थी वो, और अब बल्लेबाजों पे दबाव है कि उस मैडन का रिवेंज, रशीद खान ने का भी बढ़िया ओवर गया था। अब ये डायरेक्ट गेंदें थोड़ी सी खराब है स्पिनर्स के नजरिए से देखी जाए तो, क्योंकि हम लोग इसे आसानी से खेल जाएंगे लेकिन रनआउट का चांस यहाँ पे, और अपील नहीं की है, मतलब सेफ है, स्क्वायर का हिस्सा खाली लेकिन गेंद आई नहीं है उस तरफ। अब यहाँ पे हमने सीधा खेलना पसंद किया था, फील्डर मिड ऑफ पर से डाउन पर से एक आसान कैच के साथ हमें भेजेगा पवेलियन, किंग आउट हो गए 81 पे आउट हो गए। ये सबसे बड़ा प्राइज विकेट है क्योंकि 100 नहीं करने दिया है, डेफिनेटली टीम का मोटिवेशन जो है वो थोड़ा सा डाउन होगा यहाँ पर, और बड़ा हिट करने के बावजूद इसको बल्ले पे नहीं ले पाए, यही रीजन बना उनके आउट होने का। अच्छी पारी होगी समाप्त यहाँ पे, कुछ और गेंदें खेल जाते तो अच्छा होता, अभी भी काफ़ी बल्लेबाज बाकी हैं, देखना है। यहाँ पे निकोलस पूरन आ रहे हैं लेफ्ट हैंडेड, बाहर से दूर गए गेंदबाजी करने के लिए और हम हाल फिलहाल भी निकोलस पूरन लेफ्टी, और ये रन आउट भी हो रहे हैं, क्रॉस खेलने गए थे हम लोग, एंगल बनाए, अब यहाँ पे सीधी गेंद नहीं डाली, इसको स्पिन कराए यहाँ पर अब रशीद ने, और निकोलस शर्फा ने, रदरफोर्ड, बहुत जल्दी जल्दी बैट्समैन बदल रहे हैं यहाँ पर। होल्डर साइड चेंज करके ऑफ साइड पर से रखी थी गेंद एक बार फिर, लेकिन एंगल बना के रखी थी इस बार ऑफ साइड, रनआउट का चांस, डायरेक्ट हिट लगे तो शायद कुछ बात बने, सेफली 2 रन लेते हुए राउंड द विकेट, एंगल बनाने की कोशिश थी एटलीस्ट पहली गेंद पे, यहाँ पर बहुत बढ़िया बाउंस एम्पायर पे मेरी निगाह है और वार्निंग देके छोड़ दिया। पिछला ओवर मैडन रहा था तो हर बार इनसे हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि मैडन डालेंगे लेकिन ऐसा होगा नहीं, इतना आसान है नहीं यहाँ पर, फिर भी अच्छी गेंद कर रहे हैं, 3 का चांस, अगर साथी फील्डर थोड़ा जल्दी रिएक्ट करते हैं, मैं ये देखिए मेरा ध्यान है ही नहीं यहाँ पर, हाँ निकाल लिया 3 रन लेकिन, बड़े शॉट के लिए तैयार और सफलता मिलेगी, फील्डर हैं लेकिन उनकी रीच से दूर है, गेंद की पहुँच से दूर है 4 रन, फाइनली कुछ रन बनते हुए हमारे पल्ले से, वरना अभी तक ये मैच भूलने लायक ही जा रहा था। आखिरी 2 गेंद अटैक फिर से, लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में झेल लिए गए हैं, पकड़ा लिए गए इनको, रदरफोर्ड यहां पर आउट होंगे, होल्डर को फाइनली विकेट भी मिलता हुआ,
क्लावर मैडन था इस बार थोड़े रन दे रहे थे, लेकिन उसका जो है बराबरी करने के लिए यहाँ पे विकेट दिलवा दिया है टीम को। और एज अ कैप्टन शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे होल्डर का रदरफोर्ड पवेलियन में। जिस गेंदबाज पे नजर है वो बैटिंग में आ रहे हैं, कीमो पॉल 180 को हमने टारगेट किया था, बनता हुआ नहीं लग रहा इस वक्त। वाइट गेंद इस बार देनी चाहिए एम्पायर, एक्स्ट्रा रन, एक गेंद बाकी। रोश टेलर इस बार नौ बॉल, क्या ये फ्रंट फुट नौ बॉल है, देखना होगा। जी हाँ, फ्रेड भी मिला है यहाँ पे। 7 गेंदे 20 रन अगर मैं करता हूँ तब मेरे चांस बनेंगे 180 के। फिर वाइट, ये क्या कर रहे हैं होल्डर, समझ नहीं आ रहा। जाते जाते हैं, फ्री हिट कंटिन्यू और बढ़िया गेंद, मैंने रिस्क लिया रन का, अपील नहीं हुई है, सेफ है, एक रन आता हुआ बाय का। फाइनल ओवर रशीद खान को, ऑफ साइड पे गेंद, बड़ा शॉट हमने सीधे बल्ले से, सीधा शॉट, 6 रन, सबसे बड़ा शॉट आज के दिन का अभी तक का। कीमो बॉल, शॉट आया नहीं और ऊपर से एज लगती हुई, गली में गया गेंद, सिंगल। टेलर के पास मौका, आखिरी 3 गेंदों पे बड़े शॉट लेने का, शॉट सिलेक्शन गलत। आखिरी 2 गेंदें और इस बार बेहतर, इस बार बेहतर, 6 रन एक बार फिर जाएंगे और गेंद नीचे नहीं आ रही, यहाँ पे आसमान को छूके गई है। फाइनल गेंद इस इनिंग का, चौका तो मुश्किल लग रहा है, आउट भी नहीं लग रहे हैं, ठीक है 2 रन स्पीडिंग हुई नहीं है, 2 ही आएंगे मैक्सिमम। 178 पे रुकता हुआ गुआना में जॉन बॉल, 178 पे 5, चैलेंजिंग टोटल हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वन साइडेड रहेगा अगर ऑटो प्ले नॉर्मली काम करता है तो। आखिरी 30 गेंदों में 40-45 के आसपास हो सकते हैं, जो कि आसान टारगेट है। बैटिंग में क्रेडिट जाएगा ब्रेंडन किंग को, सिमरन हेटमायर को, रोश टेलर को थोड़ा बहुत अंत में, लेकिन 5 ओवर का जो गेम प्ले रहा है ये मैं कहूँगा बैबर और ट्राइडेंट्स के नाम रहा है। सिचुएशन होल्डर की लाजवाब ओवर, विकेट भले एक मिला है, लेकिन तो चलते हैं चेज के लिए अब हमारे डिफेंड की तरफ। जोशन चार्ल्स, शाई होप, लेकिन हमारी होप ये है कि ये लोग दोनों ना चलें, गेंदबाजी की जिम्मेदारी गई क्रिस ग्रीन को, कप्तान खुद ही आते हैं पहली गेंद ओवर करने। पहला गेंद मैच का, सेकेंड इनिंग का, बैक फुट पे खेला है डॉट। विकेट के मामले में बारबाडोस के नाम रहा है ये ऑटो प्ले, रनों के मामले में भी मैं कहूंगा बारबाडोस के नाम रहा है दोनों में से, इसलिए जॉनसन चार्ल्स यहाँ पे 77 पे खेल रहे हैं, वो एक बड़ा खतरा हो सकते हैं हमारे लिए। गेंदबाजी में रिकॉर्ड अभी ये है कि किसी को विकेट नहीं मिला है। शुरू करते हैं हमारा डिफेंस, बहुत मैं ललचा रहा हूँ, चाहता हूँ लेग साइड पे खेले, बहुत बढ़िया गेम मायर्स के, पिछली बार जैसा ही लाइन पकड़ के रखा है, मैं चाह रहा था बड़े शॉट ले, लेकिन 6 की उम्मीद नहीं की थी, बिल्डर वहां है लेकिन 6 के अंदर कैरी कर, ध्यान रखना होगा ऐसी गलती फिर ना हो। फिर से स्पिन कराया है, इस बार कीपर के हाथों में छूटी है गेंद, एक गेंद पे बड़ा शॉट, दूसरा डिफेंस हो जा रहा है और उसी हिसाब से उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक गेंद मिस, एक मिस, आखिरी गेंद है, डॉट होना चाहिए और नहीं, यहाँ पर फाइनल की तरफ से 4 निकल, गुआना के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक आते हुए कीमो पॉल, और शुरुआत लेकिन खराब 4 के साथ, फील्डिंग सेटअप बहुत ही खराब। अब हमारी लिमिटेशन है, इसका फायदा उठा लें तो अलग बात, क्या होगा कैरी है, यहाँ पे चार्ल्स को भेज दिया है पवेलियन, फिर से वही पैटर्न फॉलो किया, यू मिस आई हिट, एक पे हिट एक पे मिस, बड़ा तो कर लेकिन इस शॉट को 6 में कन्वर्ट नहीं कर पाए। कैच अंत तक क्रिटिकल था, छूट भी सकता था लेकिन अंत तक संभाल लिया हमने, और अभी के लिए जॉनसन चार्ल्स का बड़ा विकेट फॉल के नाम। 2 डाउन आते हुए जेसन होल्डर, कप्तान, सबसे सफल खिलाड़ी बारबाडोस की। हमारे सीपीएल के गेम प्ले में हर टीम में एक आध प्लेयर ऐसे हैं जो बढ़िया खेलते हैं और बारबाडोस ट्राइडेंट्स में जेसन होल्डर उनमें सबसे टॉप पे आता है। चौके से शुरुआत इनिंग के नजदीक रखने की कोशिश, लेकिन गेंद को हाल फिलहाल स्क्वायर से मार दिया 6 के लिए। फील्डिंग सेटअप हम बदल नहीं सकते हैं, हमारा अभी इस कंडीशन में स्पिनर को लाना कितना सफल रहेगा वो अभी खेलने के बाद पता लगेगा। यहाँ पर स्क्वायर पर से चौका पहली गेंद पर, जो दूरी है वो कम हो रही है, 18 में 23 से 17 में 19 हो गया है। टैगिंग गेंदबाजी मेरी आगे दिया है स्लॉट में, कैच करवाना चाहता हूँ लेकिन इतना बढ़िया मायर खेल रहे हैं, 6 ही जा रहा है सारे। हमारा जो अटैकिंग खेलने का प्लान था ना कि इनको ऑन द शॉट दूँ गेंद, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। ये बड़े हिट ले रहे हैं, वो भी आसानी से हिट गया ओवर हमारा। 15 गेंदें 12 रन, हल्का सा पुश गेंद को, पॉइंट और थर्ड मैन गली के ऊपर से 4 रन। जेसन होल्डर यही के लिए जाने जाते हैं इसी तरह के परफॉर्मेंस के लिए, बैटिंग बॉलिंग दोनों में, और बहुत ही टॉप खेलते हैं।
चाहे कोई भी हमारा टूर्नामेंट निकाल के ले लो, जेसन होल्डर हैं तो बढ़िया खेलें। 15 रन इस ओवर से, एक शॉर्ट पिच गेंद रखी थी उसको अलग ढंग से खेला है, इस बार लेग साइड पे खेला है। हम ऑफ साइड के बारे में सोच रहे थे बिल्कुल उल्टा। कप्तान निराश, मैच हाथ से निकल गए, चांसेस ये हैं कि यहीं पे शायद मैच खत्म हो जाए और वहीं किया है। फील्डिंग सेटअप ना करने का जो लिमिटेशन है कुछ सोचना पड़ेगा मुझे इसके बारे में। आखिरी चार मैचों के लिए तो कप्तान ने बैटिंग में भी कमाल किया, बॉलिंग में भी कमाल किया, बैटिंग में अंत में आके किया है और जीत दिलाई है टीम को। बैटिंग टीम का हाथ ऊपर था सेकंड इनिंग में, लेकिन इतनी आसान जीत जाएगी ये नहीं सोचा था। 12 गेंदें बाकी थी, मेरे ख्याल से अगर यहाँ से 36 रन भी होते, 36 नहीं 30 रन भी और होते तो कर लेती वो, 210 के आसपास या 205 के आसपास होता तो भी बार बार ट्राइडेंट से चेस कर जाती। जॉनसन चार्ल्स को मिला है मैन ऑफ द मैच 80+ के स्कोर के लिए। मैं ले रहा हूँ विदा, होगी मुलाकात जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज और चैनल पर देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।